इसको थोड़ा इधर करता हूँ, इधर और पास में पूरा आ रही क्या था आ रही ठीक है। और मैं ज्ञानित मिराम दस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय युस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। तुम ना तुम उधर सामने बैठे। हरे कृष्ण। हाँ, गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा जब बंसी ध्वनि की तो गोपियाँ जो अपना अपना जो काम कर रही थी उनने सब कुछ त्याग दे करके कृष्ण के पास में आए, लेकिन कुछ तो आए और कुछ नहीं आ पाए। अभी प्रश्न है कुछ आगे क्यों और कुछ क्यों नहीं आ पाए, इसका क्या कारण है, इसका रहस्य क्या है। तभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वही लोग आ पाई जिसको योग माया ने मदद की। बोले आए नहीं कौन, बोले जिसको योग माया मदद नहीं की। बोले मदद किए किसको और मदद क्यों नहीं किए किसको, कारण क्या। बोले कारण है जिनको संपूर्ण भाव सिद्धि तो हो गई थी हैं, लेकिन उनकी अभी भी उनके अंदर में कुछ कसाई थी, अभी भी कुछ उनके अंदर में दोष थी हैं। एक दोष थी जिनको पति को साथ में शरीर का संबंध था। जब पति का साथ में शरीर का संबंध हो कि जो शरीर है ना, फिर तो ये अपवित्र हो गया, फिर ये शरीर कृष्ण सेवा के लायक नहीं रहा। इसलिए योग माया ने उनको आने नहीं दी और उनके अंदर में अभी भी कुछ दोष है। दूसरा प्रश्न होता है जो लोग गोलोक वृंदावन में हैं, कृष्ण की प्रकट काल में जिन लोगों ने जन्म ग्रहण किया है, भैया इनके अंदर में दोष कैसे आ सकती है। दोष तो इसी मरते जगत में बद्ध जीव के अंदर में दोष होगा, फिर वहां पर ये दोष कैसे आ सकती है। तो उसका उदाहरण देते हैं, बोले ऐसे कोई बात नहीं, वहां पर भी जाने पर भी वहां भी कुछ दोष हो सकता है। उदाहरण दिया जैसे देव के गर्भ में जब 6 बच्चे आए, पेट में किसकी आई, बोले देव की। बोले देव की कौन, बोले कृष्ण की माँ। जब कृष्ण की माँ की पेट से जो बच्चे आए, कंस ने क्या किया, उनको पकड़ करके पछाड़ करके हैं, उनको 6 बच्चों को उन्होंने मार डाले 6 बच्चों को। इसलिए यहाँ पर दिखाते हैं ऐसे नहीं,
वहां पर जाने पर भी दोष नहीं रहेगा, ऐसे नहीं, वहां पर जाने पर भी प्रख्यात भगवान की माँ के पेट से जन्म होने पर भी उनको अंदर में भी कुछ दोष है, कुछ दोष है। इसलिए दूसरा उदाहरण दिए, जब कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, इतने में कृष्ण ने कहा गुरुजी अब गुरु दक्षिणा मांगो, अब गुरु दक्षिणा मांगो। तब गुरुजी ने कहा देख बेटा, मेरा जो बच्चा है ना, बचपन में समुद्र किनारे में तो खेलने के लिए गए, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण जाकर के उन्हें समुद्र में प्रवेश किया, सोचा शायद शंखचूड़ ने ले गया होगा, शंखचूड़ को मारा, वहां से 5 जन ने शंख को ग्रहण किया। फिर वो गए कहाँ पर, जमपुरी में गए और वहां पर उनने शंख बजाए। शंख ध्वनि सुनते ही जम महाराज तो कांपते कांपते थर थर करते कांपते कांपते आए, लगता है मेरी बारी आ गया। मेरी बारी मतलब कृष्ण ऐसे एक अवतार हुए हैं, सबका अहंकार को कृष्ण चूर्ण किया, इंद्र को, ब्रह्मा को, सारे 33 करोड़ देवता को कृष्ण परास्त किया, लगता है मेरा नंबर आ गया। फिर जम महाराज कांपते 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 आए, भगवान को आरती उतारा, बोले प्रभु क्या आदेश है, बोले मेरे गुरु पुत्र को वापस ला। तो उन्होंने जमालय से उन्होंने गुरु पुत्र को उन्होंने वापस लेकर के आए। यहाँ पर कहते हैं भैया, वहां पर जन्म लेने पर भी ऐसे नहीं संपूर्ण रूप में यह निर्दोष है, तब भी उनके अंदर में कुछ दोष रहता है। इसलिए अभी जिन लोगों को अंदर में उन्होंने बंद करके रख दिया, तो उन लोगों ने किया कि पहले उन लोगों ने कृष्ण ध्यान करते हुए बोले हे श्याम सुंदर, अभी अब ये महारास होने जा रहे हैं, रास नहीं, रास को महोत्सव बताया, रास महोत्सव, और रास महोत्सव में आज हम मिलन नहीं हो पाए, हमारी मिलन नहीं हो पाए, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे कमल नयन, हैं, इसलिए आप कृपा करके हमें स्वीकार कर। जब उन्होंने भगवान को हृदय से प्रार्थना की, प्रार्थना करने पर उनका जो थोड़ी अंदर में कमी थी ना, हैं, तो कमी थी क्या, तो कमी दूर हो गई, दूर हो करके शरीर को तो यहीं पर रह गई, शरीर को तो उन लोगों ने यहीं पर छोड़ दिया, लेकिन अंतर शरीर से जा करके उन्होंने रासों में कृष्ण से मिलन हो। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं बोले दुसह पृष्ठ विरह तीव्र धाप धुता शुभा ध्याना प्राप्ता अच्युता श्लेष निर्वित्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहूर गुणमयम देहम सद्य प्रखिण बंधना। ये श्लोक में कह रहे हैं जब उनको शरीर को गोपों ने रोक लिया, घर का अंदर रोक लिया, उसी समय में वो बड़े दुख हुई, बड़ी दुखी होकर के विरह से इतने दुखी हो गई, आज हम रास महोत्सव में मिलित नहीं हो पाई। जब उन्होंने कृष्ण को ध्यान किया, कहते उनका अंदर में जो अशुभ था, जो अमंगल था, कहते अशुभ अमंगल दूर हो गया है? और क्या हुआ, ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष निर्वित्या क्षीण मंगला, कहते एक तरफ में तो अशुभ नष्ट हो गया और दूसरे तरफ में जितने अमंगल है, कहते सब के सब अमंगल खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने मन मन में उन्होंने कृष्ण को उन्होंने आलिंगन किया कृष्ण को। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, कहते गोपियां कृष्ण को जो भावना करती थी, कृष्ण को कैसे, ये मानो ये पर पुरुष है, ये हमारी पति नहीं, ये कृष्ण हमारी पर पुरुष है, हम एक पर पुरुष से, अपना पति है लेकिन हम किसी दूसरे पुरुष से मिलने हम जा रहे हैं, इनके अंदर भी ये भावना थी। फिर इसको दरा किया हुआ, उनका जो गुणमय जो देह है और ये सब के सब नष्ट हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं बोले भैया, गोपियों को ये पता नहीं था कृष्ण परम ब्रह्म परात्पर भगवान है, इनको तो पता ही नहीं था कृष्ण परम, ये सोचते थे कृष्ण कोई दूसरे कोई पुरुष है, हम कृष्ण के साथ में मिलने के लिए जा रहे हैं। जब
जानते नहीं कृष्ण की महिमा, अरे इनके जितने अशुभ नष्ट कैसे हो गया, इनके सारे अमंगल दूर कैसे हो गया, तो उसको उत्तर देते हैं, कहते एक वस्तु शक्ति होता है। वस्तु शक्ति मतलब है जैसे एक छोटा बच्चा, उसको पता नहीं ये आग में हाथ लगाने पर ये हाथ जल जाएगा। अगर बच्चा जाकर के आग में अगर हाथ लगाएगा, हाथ जलेगा कि नहीं, जलेगा ना, उनको पता ही नहीं बच्चे को, जैसे हाथ लगाने पर जलेगा, लेकिन जो वस्तु शक्ति उसको छोड़ेगा नहीं। जैसे विष है, हमें पता ही नहीं ये विष है, हैं, अनजान में हमने कोई चीज सोच करके उसको हमने पी लिया, तो पी लेंगे तो क्या विष अपना गुण को छोड़ देगा, वो मर गई। कहते उसी तरह यद्यपि ये गोपियां कृष्ण को भगवान बुद्धि से नहीं जानते हैं, हैं, ये परमेश्वर परमात्मा बुद्धि से नहीं जानते हैं, लेकिन उसको दूसरे पुरुष मान करके जब मन मन में उनको हृदय में आलिंगन की, तो उसको सारे जितने अमंगल, जितने अशुभ, जितने पाप उनकी नष्ट हो गया, सब के सब नष्ट हो गया, हैं, नष्ट हो गया। फिर यहाँ पर फिर तीसरा प्रश्न करते हैं, बोले भैया जो गोपियाँ गोलोक वृंदावन में कृष्ण का प्रकट ब्रज में जो गोपी रूप में जन्म ग्रहण किया है, कहते भैया उनके अंदर में पाप कैसे रह सकता है, कितना उनको पाप नष्ट हो गया, उनको पुण्य नष्ट हो गया, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गया, हैं, कहते भैया जो पाप और पुण्य ये जो दो वस्तु है ये कभी भी कृष्ण प्राप्ति में मदद नहीं करता है, पाप पुण्य कभी नष्ट नहीं करता, पाप क्या करता है, फल भोगा करके नरक भोग कर आएगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगी, पुण्य को द्वारा क्या होगा, तुम जाओगे स्वर्ग में, स्वर्ग में जब तुम्हारी पुण्य खत्म हो जाएगा फिर तुम यहीं पर आओगे। यदि पाप पुण्य कभी भी कृष्ण दर्शन, कृष्ण प्राप्ति नहीं करा सकती है, हैं, तो वो चीज को कृष्ण भक्ति को देने वाले कौन, बोले सुकृति, सुकृति ही वो चीज को देता है। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न करता है, ये जो पाप और जो पुण्य है, ये जो पाप और जो पुण्य है, भैया भक्तों के अंदर में पाप पुण्य कैसा आ गया। कहते भक्ति जगत में आदो श्रद्धा, उसके बाद में साधु संग, फिर उसके बाद में भजन क्रिया भजन, और चतुर्थ जो स्टेज है ना, ये अनर्थ निवृत्ति। ये चतुर्थ स्टेज में क्या हो जाता है, साधन अवस्था में क्लेशग्नि सुभदा, ये जो दो चीज है जो भक्ति के साधन का दो लक्षण है, क्लेशग्नि मतलब जीवन का जितने सारे क्लेश है, पाप बीज कूट प्रारब्ध अप्रारब्ध है, जितने कभी ये साधन अवस्था में ही ये समाप्त हो जाता है। लेकिन गोपियां कहाँ, ये जाकर कौन सा अवस्था में, उनकी भावावस्था में है, भावावस्था को बाद में उनको जोग माया ने प्रकट ब्रज में गोपी रूप में जन्म दिया है, गोपी रूप में जन्म दिया। कल हम सुन रहे थे ना, गोपियां दो तरह का है, एक है साधन सिद्धा और एक है नित्य सिद्धा, हैं, कहती जो साधन सिद्धा जो गोपियां हैं, जो साधन सिद्धा गोपियां, कहते कहां गोपी शरीर को प्राप्त करते हुए किसी कितने उन्नत अवस्था में जा करके प्रकट ब्रज में जन्म हुए, फिर इनके पाप पुण्य कहाँ से आ गया, इनका पाप पुण्य फिर कहाँ से आ गया। फिर जिसको पाप पुण्य होगा, कहते उनका अंदर में कभी कृष्ण विरह नहीं होगा, कहते कृष्ण विरह में क्या हुआ, इनका पाप पुण्य तो ना कृष्ण विरह में नष्ट हो गया, है कृष्ण विरह में। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तब उन्होंने उदाहरण देकर समझाते हैं, कहते एक तो बहिर्मुख लोगों के लिए एक लीला और एक अंतरंग भक्तों के लिए एक लीला है। कहते भैया बहिर्मुख लोगों के लिए, जो साधारण लोगों के लिए, उनने क्या दिखाया, गोपियों की पाप और पुण्य नष्ट हो गया है, लेकिन जो अंतरंग भक्त है, जो कृष्ण की सही सही भक्त है, उनके लिए उन्होंने क्या दिखाए, उनके लिए दिखाई नहीं, इनके पाप पुण्य वहां है नहीं, पाप पुण्य में कभी कृष्ण विरह नष्ट, कृष्ण विरह नहीं होता है, कभी कृष्ण विरह नहीं होता है। फिर यहाँ पर कहते फिर ये बात उन्होंने क्यों बताया, कहते हैं
कुछ बहिर्मुख लोगों को कभी कभी वंचना करना पड़ता है, बहिर्मुख जो लोग है कभी कभी उनको वंचना करना पड़ता है। उदाहरण दिया जैसे कृष्ण जब शरीर छोड़े एक साथ में तीन व्यक्ति तीन रूप में दर्शन किया, जो साधारण जो बहिर्मुख व्यक्ति अगर आप जाओगे प्रभास क्षेत्र में वहां पर एक स्थान है, बोले कृष्ण जब शरीर छोड़े ना कृष्ण को यहीं पर जलाया, वहां पर एक स्थान है बोले भैया जिनका शरीर सच्चिदानंदमय है जिनका नाम लेने से जीव ये भव सागर से पार हो जाते हैं जिनका सत चित आनंदमय शरीर पर जलाया कैसे वहां पर है? अभी भी वो स्थान है। इसलिए बहिर्मुख लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कृष्ण को जलाया, कहते उसको ऊपर थोड़ी सी के देवता लोगों ने क्या देखा बोले जैसे आकाश में एक बिजली चमकी, अब बिजली चमक करके फिर वो कहीं अंतर ध्यान हो गया, ऐसे ही देखा था तक बिजली चमकी और कृष्ण कहाँ अंतर ध्यान हो गए। लेकिन ब्रह्मा शंकर ये तो सही चीज देखो, शंकर ब्रह्मा क्योंकि शंकर जी वैष्णव है, ब्रह्मा हमारे गुरुदेव है आदि गुरु, उन लोगों ने सही चीज को देखा। उनने क्या देखा गोलोक वृंदावन से रथ आया, भगवान रथ में बैठे और भूर भुव मोह जन तप सतलोक पार करते करते गए, ब्रह्मा जी भगवान को आरती उतारे, शंकर जी उनका आरती उतारे और उन्होंने अपना गोलोक वृंदावन को, ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन को चले गए, हैं गोलोक वृंदावन को चले गए। इसलिए गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाया करते थे, विश्वनाथ चतुर ठाकुर उन्होंने कथा सुनाए जो कहते ना वो जो सबर था व्याध था भगवान का चरण को हिरण का मुंह मान करके उन्होंने बाण चलाया, बाण चलाया तो उनने जा करके देखा अरे ये तो हिरण का मुंह नहीं ये ठाकुर का चरण है, मैंने ठाकुर का चरण को मैंने बाण चलाया हाँ, इसलिए उनने बाण चलाया। साधारण लोग ये चीज को देखे तो गुरुदेव एक उदाहरण देकर समझाते हैं। गुरुदेव बोले एक समय एक राज दरबार में कोई एक जादूगर मैजिशियन आया, बोले हम अपना हाथ की सफाई दिखाएंगे जादू विद्या दिखाएंगे, अभी सारे राज्य के लोग वहां पर आ गए जादू विद्या देखेंगे जादू विद्या देखेंगे। उसने इतने सुंदर जादू विद्या दिखाया, उन्होंने हाँ मैजिक दिखाया, सारे लोग देख देख करके हैरान हो गए बोले बाबा रे हाँ क्या अद्भुत जादू, किसका गला काट देते हैं बुलाते भैया इधर आ जाओ, देखा गला तो यहाँ काट दिया वहां पर देखा वो तो उधर से आ रहा है, है? हमारे भारत में जो पीसी सरकार है जो विदेश में जादू दिखाने के लिए गया बोले मैं 4 बजे ये जादू विद्या शुरू होगी, और विदेश में तो सबके सब टाइम पर टाइम से पहले आते हैं और 4 बजे दिखाएंगे, लेकिन सबके सब लोग आकर बैठ गए, लेकिन घड़ी देखा 4 हो गया लेकिन वो आया ही नहीं, बोले 4:15 हो गया तभी नहीं आया, 4:30 हो गया तभी नहीं आया, और वहां पर तो टाइम का पूरा पक्के है विदेश में। इतने में 5 बज गया, जो 5 बजेगा लोग हई होला कर रहे थे, देखो इंडिया लोग कैसे देखो है इनका टाइम फाइम भी पता नहीं, जब 5 बजेगा ना देखा पान चिबात हुई मस्ती से आ रहे हाँ मस्ती से पान चिबात हुई मस्ती से आ रहे हैं, आते ही सब शाउटिंग करना शुरू कर दिया ये भारतीय लोग ऐसे ही है उनको टाइम फाइम कुछ पता नहीं होता है हाँ 4 बजे बोल करके 5 बजे आ रहे हैं हमारा कितने सारे काम है। उसने कहा अपना अपना घड़ी देखो कितना समय है, घड़ी देखो सब घड़ी देखा ना 4 बजे ये 4 बज रहा है भैया तो 5 बज गया था 4 बजे देखो क्या जादू है हैं। उन्होंने बोला ये मेरा पहला जादू है, ये मेरी पहला जादू हाथ की सफाई है। लोग तो देख करके भैया सबका घड़ी कैसे बंद होगी हैं घड़ी कैसे बंद होगी। इसलिए तो उन्होंने ऐसे उसने जादू दिखाया देख करके लोग एकदम आश्चर्य हो गए, और वो जो रानी थी ना वो प्रसन्न होकर के अपना गला की एक हार निकाल करके उसको पत्नी को, उसका पति पत्नी दोनों थे 2 बच्चे थे, हार निकाल करके दिया उसका दो बच्चे थे ना, बोले मैया ये हार मेरे को दे दे मैया मेरे को ये हार मेरे को दे दे, एक साथ में दोनों बच्चे हार को पकड़ लिए और एक बच्चा इधर खींच रहा है एक बच्चा इधर खींच रहा है और कोई छोड़ने के लिए तैयारी नहीं। इतने में
कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दोनों बच्चों के पास में था तलवार, दोनों बच्चे तलवार निकाले और दोनों भाई को ऊपर मारे मारे तो दोनों का गला कट करके ऊपर खत्म हो गया। वहां पर खून खून हो गया। इतने में उसका जो मैया थी बोले जब मेरे दोनों बच्चे ही मर गए पर मेरे आकर क्या करूं। उसने तलवार लेकर अपना सर काट दी। उसका जो जादूगर था बोले मेरे बच्चे भी गए मेरी पत्नी भी गई फिर मैं रह कर क्या करूंगा। उसने उठाया तलवार अपना सर काट दिया। वहां पर एकदम खून खून हो गया। चार बाजार खत्म हो गया और जितने अड़ियन से आए हुए थे देख करके बड़े दुखी हो गए। रानी ने सोचा मैंने क्यों ये हार दिया, ये अनर्थ का कारण बन गया, मेरे वजह से इनका वंश खत्म हो गया। राजा ने बोले एक काम करो ये शरीर को लेकर संस्कार कर दो। शरीर को लेकर संस्कार कर दिया। दो दिन बाद में एक लेटर आया बोले महारानी महाराज मेरे प्रणाम स्वीकार हो, मैं आपका दरबार में आकर के मैंने पहला दिन मैंने जो जादू दिखाया हाथ की सफाई दिखाई आप तो मेरे को एक हार दिया, लेकिन जो मैंने अंतिम जो जादू दिखाया अभी तो उसका कोई प्रेजेंटेशन कुछ मिला नहीं। हम लोग मरे नहीं, हमारे घर का एड्रेस ये है, हम पत्नी और बच्चे को साथ में यहाँ आनंद पूर्वक रह रहे हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो हमने जो लास्ट जो जादू दिखाया उसका उपहार को लेकर के आओ प्रेजेंटेशन लेकर आओ। राजा ये पत्र देख करके रानी को बुलाए मंत्री को बुलाए बोले देखो ये लेटर किया देखो हमारे सामने मरे उसका शरीर का हमने संस्कार कर दिया और ये बोल रहे हम जिंदा है चलो हम देखने के लिए जाते हैं। उनके लिए उपहार लेकर के जब आए रानी राजा मंत्री देखा वो चार है ना उस दोनों बच्चे और दो पति पत्नी बड़े आनंद से फूल की माला लेकर के आ रहे और राजा के गले में रानी के गला में माला डाल दिया। राजा तो देख करके बोले हे भगवान ये क्या है जिंदा है अब तो मर गई आपका शरीर को हमने संस्कार कर दिया। हाँ तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं अगर एक साधारण जादू विद्या दिखाने वाले साधारण एक जादूगर अगर इतने आश्चर्य चीज दिखा सकता है लेकिन कृष्ण कौन है कहते जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूत विरणम। कृष्ण कौन है बोले जिनकी एक इशारा होने पर बोले एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि हो जाता है और प्रलय हो जाता है कृष्ण की एक इशारा पर तो भगवान क्या नहीं कर सकते। इसलिए जो दिखता है उनके पैर में बाण लग गया कृष्ण मर गए और जला दिया केवल उनकी जादू है केवल ऊपर का कहते बहिर्मुख लोगों का वंचना करने के लिए कृष्ण से लीला दिया। इसलिए कहते ठीक उसी तरह यहाँ पर जो दिखता है गोपियों ने ये शरीर को त्याग दे दिया है गोपियों ने शरीर को त्याग दे दिया उनको पाप नष्ट हो गई इनको पुण्य नष्ट हो गई केवल ये बहिर्मुख लोगों को वंचना करने के लिए लेकिन तत्वतः इनके अंदर में कोई पाप भी नहीं कुछ पुण्य भी नहीं पाप पुण्य से कभी कृष्ण विरह हृदय में नहीं आ सकती है। इसलिए कृष्ण विरह में क्या है बोले पीड़ा भीर नवकाल कुटता गर्भस निर्वासनम। कृष्ण विरह है जो कृष्ण विरह को उदाहरण दिया जैसे नया काल कुट जहर जैसे कृष्ण विरह बोले एक व्यक्ति को अगर एक साथ में एक बिच्छू को ही काट देना वो तड़पड़ाने लग जाता है लेकिन एक व्यक्ति को है अगर एक साथ में 10,000 बिच्छू अगर डंक मारे उसमें जो कष्ट है कृष्ण विरह में ऐसे दुख होता है कृष्ण विरह में। लेकिन ऊपर में तो देखने के लिए लगता है दुख लेकिन अंदर में आनंद है। जैसे आप कृष्ण नाम लेकर के आंखों से थोड़ा आंसू बहे थोड़ी अगर कृष्ण नाम सुनकर तो आंसू बह जाए तुम्हारी आंखों में दुख होगा ना सुख होगा सुख होगा। हरे कृष्ण नाम लेकर के हमारा आंखों में आंसू बहा इसलिए ऊपर से देखती है गोपियां रो रही है कृष्ण विरह में अंदर में दिव्य आनंद है। बोले कृष्ण मिलन में कितना आनंद है कहते कुटी ब्रह्मानंद नहे तार एक बिंदु जो ब्रह्म में जो आनंद है ब्रह्मानंद है कहते ऐसे करोड़ों ब्रह्मानंद को मिलाने पर भी कृष्ण प्रेम रस में है कृष्ण
दर्शन में जो आनंद है, कहते ये करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी कृष्ण प्रेमानंद की एक बूंद के सामने बराबर नहीं हो सकता है, इतने आनंद कृष्ण दर्शन में है। इसलिए गोपियों के अंदर में जो कृष्ण विरह हुई, कृष्ण विरह से क्या हुआ, कृष्ण का जो आलिंगन उसको द्वारा क्या हुआ, कहते गोपियों के अंदर में जो थोड़ी बहुत जो कमी थी ना वो दूर हो गया, कमी दूर हो गया। तो उसको उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे कोई एक राजा, उसकी सुंदर एक बगीचा, बगीचा पेड़ में बड़े सुंदर आम का फल है, सुंदर आम का फल है। वो क्या करता है, जब देखता है आम पुष्ट हो गया, उसको लेकर के घर में ले आता है और एक घर में गर्मी जगह पर रख लेता है। रख कर क्या करता है, जो आम पक जाता है, लाल वर्ण हो जाता है, सुगंध आ जाता है, वो आम को लेकर के अमुनिया करके उसने राजा को अर्पण करता है। लेकिन सब आम एक साथ में नहीं पकता है, हाँ? नहीं, धीरे 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 पकता है। जब जैसे जैसे पकता रहेगा, ऐसे ऐसे लेकर के अपना प्रभु को अर्पण करते रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पर कृष्ण जब बंसुरी बजाए, जो जिनकी भाव सिद्धि पूर्ण हो गई थी, उसको तो जोग मैया आने के लिए दे दिया, चले आए, पतियों ने उसको रोके नहीं, क्यों, उनको भाव सिद्ध जोग मैया मदद की। लेकिन जिनके अंदर में कमियां थी, अभी कमियां थी, उन्होंने क्या किया, कृष्ण विरह में क्या हुआ, जैसे गर्म में रखने पर आम पक जाता है, ऐसे ही जब कृष्ण विरह उनके हृदय में आई, उनके हृदय में जो थोड़ी कमियां थी ना वो दूर हो गई, दूर हो गई। तो क्या हुआ, फिर वो सब के सब कृष्ण लीला में रास में प्रवेश करने की इनको योग्य मिल गई, हाँ, उनकी योग्यता मिल गई। फिर योग्यता मिल गई तो उन्होंने फिर आत्म शरीर से आकर के कृष्ण को साथ में मिला। कहते ये एक चीज, और एक चीज बताते हैं, बोले भैया कृष्ण अभी रास उत्सव है, रास उत्सव है, अगर कहीं रास उत्सव हो रहे हैं, उत्सव अगर कोई व्यक्ति वहां मर जाए, बताओ उत्सव होगा ना दुख होगा, आनंद होगा ना दुख होगा, सबका जैसे उत्सव तुम्हारे घर में शादी के माहौल है, हाँ, सारा दुनिया लोग आए वहां पर, गाना गा रहे हैं, कोई बज रहे हैं, नाच रहे हैं, अगर उसको बीच में कोई शरीर व्यक्ति मर जाए, बताओ दुख होगा ना सुख होगा, बोलो दुख होगा। और रास महोत्सव है, इतने बड़े जहाँ भगवान रास कर रहे हैं, रास मतलब क्या है, बोले रसानाम समूह इति रास, रास मतलब होता है जहाँ रसी रस है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ पर जीव संपूर्ण रूप में, जहाँ पर गोपियां संपूर्ण शरीर को दे करके जहाँ कृष्ण सेवा कर रही है, रास यही है, जहाँ नृत्य कीर्तन वाद्य हाँ बज रहा है, देवता लोग वाद्य बजा रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण बंसुरी बजा रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं, कभी ललिता नाचती हैं, कृष्ण कहते वाह वाह क्या तुमने नृत्य की, कृष्ण गले की हार उतार करके दे देती है, कभी विशाखा गाती है पंचम स्वर में, कभी कृष्ण पंचम स्वर में विशा सप्तम स्वर में गाती है, सारे गामा पाधानी सा, कृष्ण तो पंचम स्वर सारे गामा पा, लेकिन जब विशाखा ललिता सप्तम स्वर में गाते हैं, कृष्ण बोले वाह तुमने मेरे को भी फेल कर दिया, कृष्ण गले के हार उतार कर दे देते हैं, किसको वस्त्र उतार कर, जहां पर आनंद ही आनंद है, रसी रसे। अगर ये कोई उत्सव से पहले शादी तुम्हारी होने वाली घर में, और उसको पहले कोई शरीर छोड़ दे, क्या होगा, सारे नष्ट हो जाएगा, उत्सव तुम्हारी खत्म हो जाएगी उत्सव। इसलिए जहाँ भगवान रास कर रहे हैं, रास से पहले अगर ये शरीर छूट जाएगा किसका, हैं, कहते उन लोगों ने वहीं पर शरीर को छोड़ दिया, आत्मा शरीर में चले गए, अगर शरीर छोड़ देगा तो कितना गंदी बात है, फिर कहते भैया ये कैसे हो सकती। इसलिए दूसरा कारण बताए, उसी समय जोग माया ने क्या किया, जोग माया ने जो शरीर जो छूटता हुआ शरीर को, उन्होंने उसको अंतर ध्यान कर दिया, शरीर को छोड़ने नहीं दिया। कहते ये एक कारण बताए, बोले दूसरा कारण बताए, दूसरा कारण बताए, जब उन्होंने कृष्ण इनका हृदय में अत्यंत कृष्ण विरह हुआ, कृष्ण विरह हुई, उसी समय ने उन्होंने उन लोगों ने रास में जाकर के मिलते हुए, रास में मिलते हुए और भगवान के साथ उन्होंने रास की, रास को में जो वापस उन्होंने घर में आई, फिर तो उन्होंने क्या हुआ, कहते उनको
फिर जो पतियों को साथ में, पहले जो शरीर का संबंध था, अब पतियों को साथ में कोई शरीर का संबंध नहीं कर रहे। जो बच्चे, जिनको लोग कोई बच्चे था, बच्चों के साथ में कोई संबंध नहीं रहा, अभी एकदम कृष्णा रूपी जो भूत उनको पकड़ा है, कृष्ण रूपी भूत जो पकड़ा, अभी दिन रात कृष्ण चिंता में जैसे पागल होकर के, कृष्ण चिंता में उनकी स्तन सूख गई, वह दूध नहीं है, और कृष्ण चिंता में एकदम जो पागल जैसे बावरी बन करके, फिर उनके अंदर में सारे दोष खत्म हो गई, फिर कृष्ण लीला में संपूर्ण रूप में प्रवेश करते हुए हैं, फिर वस्तु सिद्धि में, फिर कृष्ण धाम को उन लोगों ने कृष्ण धाम को फिर प्राप्त कर लिया। फिर यहाँ पर कहते हैं, बोले भैया जो गोपी इतने उन्नत है, उनके अंदर कहते ना, उनके अंदर भैया कृष्ण, उनके अंदर पाप पुण्य कैसे संबंध, कैसे उनके अंदर अंदर में संभव, कैसे कहते उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आए, कहते उद्धव कौन है, कहते वृष्ण नाम प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत सका। कृष्ण स्वयं कहते हैं ये मेरी मंत्री है, ये मेरी मंत्री है, अगर कोई परामर्श लो ना, मैं उद्धव जी से परामर्श लेता हूँ, उद्धव बताओ अभी क्या करनी चाहिए, कृष्ण को परामर्श लेता है और कृष्ण के साथ में खेलता है, कृष्ण के साथ में खाता है। उद्धव जी बचपन में कृष्ण मूर्ति को लेकर के दिन रात उसमें खेलता रहता था, खाने का समय हो गया, मैया बुला रहे, बोले उद्धव आ जाओ खाना खाने के लिए, लेकिन कृष्ण को छोड़कर नहीं आता था, और जब सोता था अपना गोद में कृष्ण को लेकर के सोता था उद्धव जी। इसलिए जिनके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है, मेरा बेटा ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं। बेटा कितना प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है ना, कि तू जितने मेरे प्यारा, मेरे बेटा भी प्रिय प्रिय नहीं, बोले उससे, कहते शंकर जी, बोले शंकर जी कौन, बोले हरिहर एकात्मा, हरिहर एकात्मा, कहते मेरे हरिहर एकात्मा मेरे शंकर भी इतना प्रिय नहीं, ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, शंकर भी प्रिय नहीं, बोले उससे ज्यादा प्यारी कौन होता है, बीवी अपना पत्नी है, जो अर्धांगिनी, जिसको मैं अपना बख्य स्थल में स्वर्ण रेखा रूप में मैंने धारण किया, पत्नी। घर में अगर भाई भाई में लड़े हुए ना, पति क्या करता, पत्नी को लेकर अलग हो जाता है, बोले तुम जाओ और हम अपना बीवी को लेकर हम अलग हो जाते हैं। इसलिए कहते मेरी पत्नी भी इतना प्रिय नहीं, बोले उससे ज्यादा कौन प्रिय होता है, कहते मेरे अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव, केवल देखने में काले और देखने में गोरे, कहते बलदेव प्रभु, कहते वो भी इतना प्रिय नहीं, बोले सबसे जगत में सबसे ज्यादा प्यारा कौन होता है, बोले अपना आत्मा, अपना आत्मा। अगर कहीं हम पति को भी छोड़ सकते हैं, दुनिया में सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने आप तो छोड़ नहीं सकते ना, आत्मा को नहीं छोड़ सकते। इसलिए कहते हे उद्धव मेरी जो आत्मा भी इतना प्रिय नहीं तू मेरे जितने प्रिय हो उद्धव। वो उद्धव जब ब्रज में आए और उन्होंने पहले ब्रजवासियों को प्रेम को देखा, नंद बाबा की प्रेम को देखा, फिर उनने बछड़े गैया की प्रेम देखा, फिर उनने गोपियों की प्रेम देखा, जब श्री राधा रानी का प्रेम उन्होंने देखा, कहते उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाय डुगडुग बाजे प्रेम की ढोल। उद्धव है, उद्धव मतलब क्या, बोले उद्गत तम, जिसे संपूर्ण तम निकल गया, जो विशुद्ध रूप में कृष्ण की शुद्ध भक्त है। कहते ऐसे उद्धव जैसे व्यक्ति, अगर गोपियों के अंदर में पाप पुण्य होता तो अरे उद्धव जैसे व्यक्ति उनके चरण की धूल क्यों प्रार्थना करते। उद्धव जी कह रहे हैं इसी जगत में अगर किसकी जीवन धारण करना सार्थकता है, बोले किसकी सार्थकता, बोले ब्रज गोपियों का सार्थकता है इनकी, बोले क्यों, बोले कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति इनको जो प्रेम है, हरि कथा में इनको जो प्रेम है, कहते भैया जो प्रेम को मैं स्वयं चाहता हूँ, ब्रह्मा भी चाहते हैं जो प्रेम को, श्री शंकर भी चाहते जो प्रेम को, कहाँ वृंदावन में कहाँ गैया को चराने वाली, गैया दूध को निकालने वाली, कंडा थपथपाने वाली, और कहाँ वृंदावन जंगल में रहती है जब हैं, ये गुजरी सब सब जंगल में रहने वाली, लेकिन देखो तो इनके अंदर में कृष्ण के प्रति कितना प्रेम, कृष्ण कथा में इनको कितने रुचि, हाँ देखो तो इनके अंदर में। इसलिए अगर मैं इनकी चरण की धूल घास बन जाए, ब्रज में घास बने,
बोले घास क्यों बनेंगे, बोले गोपियां जब कृष्ण से श्रृंगार करने के लिए जाएगी चल करके तो जाना ही पड़ेगा, अगर घास बनेंगे तो हमारे सर के ऊपर में चरण धुल पड़ेगा। बोले वहां पर मैं लता बन करके जन्म लू। बोले लता क्यों बनना चाहते हो? बोले कृष्ण जब कुंज कुंज में लीला करेंगे, अगर लता बन करके रहेंगे उनका कुंज लीला दर्शन करूंगा। बोले वहां पर औषधि वृक्ष हो जाए। बोले औषधि वृक्ष क्यों बनना चाहते हो? बोले कभी अगर बीमारी में पड़ेंगे दवा तो खाएंगे, अगर दवा खाएंगे तो उनका हृदय में चला जाऊंगा, उनकी हृदय में चला जाऊंगा। इसलिए यह उदाहरण देते हैं, अगर इनके अंदर पाप पुण्य था होता तो फिर भैया उद्धव जैसे व्यक्ति इनकी चरण की धूल को वंदना क्यों करते हैं? इनकी पंचम पंचम मुंह में इनकी महिमा इतना गाते हैं उद्धव जी कि भैया जगत में अगर किसकी जीवन सार्थकता है ये ब्रज गोपियों के जीवन ही धन्य है। इसलिए उनको पंचम मुंह में उनकी महिमा को गान करते हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गोपियों के अंदर पाप पुण्य नहीं। और एक तीसरा चीज कहते हैं, कहते कृष्ण के प्रति इनकी जार बुद्धि था। जार बुद्धि मतलब होता है जैसे हम किसी परम पुरुष से मिल रहे हैं, किसी परम पुरुष से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत प्रश्न उठाते हैं, कृष्ण परम पुरुष कैसे हो गए, ये गोपियां पर पराई कैसे हो गई, और उन्होंने इसी भाव से कृष्ण से क्यों मिला, कारण किया, हम उसको कल सुनेंगे। और ये जो चीज है ना बहुत डीपली चीज है, इस चीज को अगर इतने चीज का अगर अब समझ जाओगे हैं। इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ में गोपियां जब मिलती थी कृष्ण से, ये पर पुरुष रूप में क्यों मिलती थी, इसमें क्या रहस्य है? इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसको ऊपर बड़ी गहरा टीका लिखती है। अगर ये चीज को अगर आप लोग समझोगे ना, हमारी संप्रदाय की एक बहुत बड़ी गहरा चीज को आप उपलब्धि करोगे। इसलिए हम इसको कल सुनेंगे क्यों उनको पर पुरुष क्यों बताए और पर नारी उन्होंने क्यों बताए और ऐसे क्यों हुआ है। ठीक है, वंचाकल दुर्भिष्य कृपा सिंधु भय वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नितय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नितय गौर हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नितय गौर हरि बोल। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। इसको बंद